नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी एनम 5272 पद भर्ती आयोग की पेंडिंग भर्तियों के रिजल्ट, ऑनलाइन आवेदन कब से, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2024 और नए सचिव जी की नियुक्ति। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम यूपी ट्रिपल एससी एनम 5272 पदों पर जो भर्ती है। यह भर्ती दोस्तों ऑनलाइन आवेदन आप लोग को कब से देखने को मिलेगा वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। आयोग की जितनी पेंडिंग भर्तियाँ हैं दोस्तों, जिनके परीक्षा हो चुके हैं, रिजल्ट नहीं अभी तक आउट हुआ है, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुके हैं, आपको वो भर्ती बता रहा हूँ मैं दोस्तों। वीडियो है, कंबाइंड टेक्निकल है और ऐसे तमाम कई भर्तियाँ हैं दोस्तों जिनके फाइनल रिजल्ट अभी नहीं तैयार हुए हैं और वो तैयारी में आयोग लगा हुआ है। और ऑनलाइन आवेदन के लिए भी बताऊंगा दोस्तों, अभी तैयारी जो है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2024 और नए सचिव जी की नियुक्ति की बात चल रही है दोस्तों, क्योंकि इन लोगों के लिए भी आवेदन हुए थे। लगभग 50-51 जो है फॉर्म जो है दोस्तों पड़े हुए हैं नए सचिव जी की नियुक्ति के लिए। अभी तक कार्यवाहक सचिव जी हैं ओ एन सिंह सर जी, उन्हीं की देख रेख में यह सब भर्तियों का काम चल रहा है दोस्तों, जिसमें मैं आपको बात कर रहा हूँ कि आयोग की जितनी पेंडिंग भर्तियां हैं उसके रिजल्ट तैयार किए जा रहे हैं। रिजल्ट सबसे पहले पेंडिंग भर्तियों के निकलेंगे, उसके बाद पीईटी 2024 का ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा दोस्तों, इसकी परीक्षा होगी और उसी दौरान जो है दोस्तों नए सचिव जी की नियुक्ति भी होगी। और अब बात करते हैं दोस्तों 5272 पद एनम जो है दोस्तों, इतना जब सब कुछ हो जाएगा पीईटी 2024 और पेंडिंग भर्तियों के रिजल्ट, इसके बाद जो है दोस्तों जो ऑनलाइन आवेदन पीईटी 2022-23 से आवेदन हुए हैं उनके उनकी मुख्य परीक्षा भी होगी और उसी दौरान जो है दोस्तों ये 5272 पद भर्ती का ऑनलाइन आवेदन भी शुरू होगा, आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। यह कब देखने को मिलेगा दोस्तों, आपको नवंबर से दिसंबर और ये जनवरी भी मान के चलिए दोस्तों, जनवरी 2025 से नवंबर दिसंबर 2024 जनवरी 25 तक जो है आप लोगों को एनम का जो 5272 पद पर अधियाचन आया है दोस्तों उस पर ऑनलाइन आवेदन देखने को मिलेगा। आप लोग तैयारी करते रहिए दोस्तों, धीरे धीरे तैयारी करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है बहुत तेज़ी से तैयारी करिए, जिसकी जो स्टेमिना है, जो जितनी स्पीड से कर सकता है उस हिसाब से तैयारी करें अपना, लेकिन बैठे ना दोस्तों। यह पद पर भर्ती जरूर आएगा दोस्तों, जितने मैं आपको बता रहा हूँ यह आना तय है। इसके पहले भी जो मैं आप लोग को बताया था, बहुत से अभ्यर्थी कह रहे थे कि पीईटी नहीं लागू होगा, ये फेक भर्ती है, जिन्होंने कहा उनका सिलेक्शन नहीं हुआ दोस्तों, जिन्होंने अभ्यर्थियों को गुमराह किया, इसलिए मैं आप लोग को गुमराह नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं आप लोग को रियलिटी बता रहा हूँ कि आप लोग तैयारी अपनी शुरू करिए। हमारे इसी चैनल पर जो है बहुत सी वीडियो पड़े हुए हैं, आप उस वीडियो को भी पढ़ते रहिए और मैं प्रैक्टिस सेट भी जो है आप लोग को हल कराता रहूँगा दोस्तों। अभी थोड़ा सा व्यस्तता के कारण मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से जो है सूचना नहीं दे पा रहा था, अब दोस्तों बराबर आपको सूचनाएं मिलती रहेंगी और प्रैक्टिस सेट भी आप लोग को हल किया हुआ मिलता रहेगा। नए सचिव जी की नियुक्ति की बात जो है दोस्तों चल रही है, जल्द ही नए सचिव जी मिल जाएंगे, जैसे ही मिलेंगे दोस्तों उसके बाद भर्तियाँ और तेज़ी से शुरू हो जाएंगी। कार्यवाहक सचिव सर जी जो हैं वो बहुत तेज़ी से काम तो कर रहे हैं दोस्तों, इसके पहले लगभग बता रहा हूँ दोस्तों 32 भर्तियाँ पेंडिंग हैं, ये 32 भर्तियाँ जो हैं पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, जिनमें से किसी का जो है दोस्तों रिजल्ट है तो किसी का ऑनलाइन आवेदन हो चुका है, परीक्षा नहीं हुई है, तो ऐसे तमाम भर्तियाँ हैं दोस्तों, आप लोग घबराएं ना। अब जो है अब अगला अध्याचन और अगला जो आवेदन होगा 5272 पदों पर भर्ती का ही जो है आपको देखने को मिलेगा। और नवंबर से दिसंबर में दोस्तों ऑनलाइन आवेदन इसके शुरू हो जाएंगे, इसलिए आप लोग एकदम घबराएं ना। आपका यह मिड अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर में जहां तक बात चल रही है पीईटी 2024 का अक्टूबर में दोस्तों ऑनलाइन आवेदन की बात चल रही है और नवंबर से दिसंबर में इसका जो है परीक्षा हो जाएगा दोस्तों, नवंबर में नहीं होगा दिसंबर में होगा दोस्तों, ये मान के चलिए जहाँ तक भी है दिसंबर तक जो है पेट 2024 का परीक्षा हो जाएगा, उसके बाद 2024 पेट से जो परीक्षाएं आने हैं भर्तियां आनी हैं वो लिस्ट भी देखने को मिल जाएंगी।
लेकिन दोस्तों आप लोगों को एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि सचिव जी ने साफ साफ कह दिया कि हम एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं निकालेंगे। हम पेंडिंग भर्तियों पर अभी जो है जोर दिए हैं दोस्तों, वीडियो का रिजल्ट और कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट दोस्तों बचा हुआ है। ऐसे मंडी परिषद नहीं दोस्तों, मंडी परिषद का नहीं, वो सब हो गया है। ऐसे कई और भर्तियां हैं, जैसे आपको बता रहा हूँ एक भर्ती है दोस्तों, वो अभी कोर्ट में पड़ी हुई है और मुख्य सेविका की भर्ती दोस्तों, मुख्य सेविका की भर्ती जो है यह कोर्ट में पड़ी, जब कोर्ट से आर्डर आएगा तभी इसका रिजल्ट आएगा दोस्तों, क्योंकि मुख्य परीक्षा हो चुकी है, अभी इसका रिजल्ट नहीं आया है। हाँ दोस्तों, वन दरोगा का भी है, फॉरेस्ट गार्ड का, उसका भी रिजल्ट अभी नहीं आया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। तो यह सब हो जाएगा तो दोस्तों उसके बाद आपको 572 पदों पर भर्ती देखने को मिलेगा। आप लोग किसी भी फर्जी अफवाहों में ना पड़िएगा कि यह भर्ती नहीं आएगी, पेट 2023 से नहीं लागू, नहीं आएगा। मैं 100% कह रहा हूँ दोस्तों कि पेट 2023 में जिन्होंने आवेदन किया था और परीक्षा दिया है, भले एक ही नंबर पाए हैं, वो अभ्यर्थी इस फार्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। बहुत से अभ्यर्थी कमेंट के माध्यम से पूछते हैं, सर मेरा 10 नंबर है, 5 नंबर है, क्या मैं फार्म भर सकती हूँ? बिल्कुल भर सकती हैं, एक नंबर अगर आप पाई हैं तब भी फार्म को भर सकती हैं। माइनस मार्किंग था दोस्तों, माइनस में जिनके नंबर हैं वो फार्म को ऑनलाइन आवेदन ना करें, और बल्कि जो अपियरिंग एएनएम है बहन है वो भी ना करें, जिनके पास मेडिकल नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन है और एएनएम उन्होंने डिप्लोमा किया है वह भर सकती हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी अपडेट रही, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।